अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बात करेंगे ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स की और उनकी थोड़ी सी एक्सपायरी डेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि उनके एक्सपायर हो जाने के बाद हमें वो प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए या नहीं, और अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो उसका हमें रिजल्ट मिलता है या नहीं, या उनके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ओरिफ्लेम की तरफ से जब आपको पार्सल आता है या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू आप उनके घर से भी पार्सल आता है, तो आप उनकी एक्सपायरी डेट उनसे पूछें या ना पूछें, कोई चीज़ जो है वो मतलब फिक्स नहीं है कि पूछनी चाहिए या नहीं पूछनी चाहिए। क्योंकि देखें, जो कंपनी से जो चीज़ डायरेक्टली आ रही है ना, उसकी तो एक्सपायरी ऑलमोस्ट इतनी होगी कि आप उसको 4-5 मंथ्स आसानी से यूज़ कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी प्रोडक्ट्स की कंपनी की साइड से जो सेल पे नहीं होती, उनकी एक्सपायरी डेट होती है 2 ईयर मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम जो है वो 1.5 ईयर से ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट सेल पे है तो उसकी एक्सपायरी भी 80% की पॉसिबिलिटी है कि एक्सपायरी बहुत लॉन्ग होगी, 1 ईयर तक की ऑलमोस्ट होगी, ठीक है। अगर नहीं होती तो मिनिमम 6 मंथ्स की, 5 मंथ्स की, 7 मंथ्स की लाजमी होती है। इस वजह से परेशान तो होना ही नहीं है। लेकिन अगर आपके घर पे आने के बाद आपके यूज़ करने के दौरान दौरान वो चीज़ एक्सपायर हो जाती है, फिर भी वो आपको बेनिफिट दे रही होती है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगी, हम लोगों के घर पे डिओड्रेंट था, ये वाला पिंक से कलर का, इवन टोन करने वाला। इसकी एक्सपायरी डेट को आप देख सकते हैं, 2024 की 6 तारीख है। एक मिनट मैं क्लियर करती हूँ, 2024 और 6वां महीना, मतलब ये एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन अभी भी इसके अंदर इतनी क्वांटिटी है कि लोग यूज़ कर रहे हैं, घर वाले, मेरी सिस्टर है, तो कोई भी किसी किस्म का उसको रिजल्ट में कोई उस तरीके का चेंज नज़र नहीं आया कि पहले और मिल रहा था, अब कोई साइड इफेक्ट वाला काम होने लग गया। तो अब उसके अलावा बाद में हमारे पास वेब ऑफर के अंदर एक प्रोडक्ट आई थी, उसकी एक्सपायरी डेट, ये पर्पल वाला आया था ना, अगर आप लोगों को याद हो, आज से 2 महीने पहले, तो इसकी एक्सपायरी डेट को देखें, 2026-07। तो क्या आप कह सकते हैं कि सेल ऑफर वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपायरी बड़ी जल्दी हो जाती है? एक्सपायरी अगर खुदा ना खास्ता किसी चीज़ की हो भी जाती है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं दे रही होगी, इस चीज़ की श्योरिटी मैं देती हूँ। अच्छा, प्योर स्किन की हमारी ना चीज़ें बड़ी ज़्यादा ऑफ पे आई हुई थी, ये तकरीबन मुझे लगता है 6 महीने पहले की बात है, इस पे बड़ा ज़्यादा डिस्काउंट था, इसकी ऑफर तब आई थी। तो अभी फिलहाल के लिए भी ये हमारे पास है, तो इसकी एक्सपायरी डेट को देखें, ये मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है 4 महीने पहले का, इसको देखें, इसकी एक्सपायरी 2024, मतलब अगले महीने इसने एक्सपायर हो जाना है। लेकिन इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अब इसको मैं घर पे यूज़ करूँगी, मैंने पहले भी एक यूज़ किया हुआ है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब पे देख सकते हैं कि वो इतना हाफ हो चुका था। उसके बाद मेरा दिल किया कि मैं अपना टोनर थोड़ा सा चेंज कर दूँ, क्योंकि मेरे पास अब वैरायटी ऑफ गिफ्ट्स आते हैं, तो उसकी वजह से मेरा अब जो यूज़ में आ रहा है ना वो ये वाला टोनर है। और इसकी एक्सपायरी डेट देख लेते हैं, इसकी एक्सपायरी डेट है 2025-04, लेकिन मुझे इसको ब्रेक लगा के अब फिलहाल इसको फिनिश करना है, इसको यूज़ करना स्टार्ट करती हूँ। लेकिन मैं आपको किसी ना किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगी कि ये एक्सपायर हुआ भी मुझे रिजल्ट दे रहा होगा, क्योंकि ये ब्लैक हेड्स को कंट्रोल करता है, ओपन पोर्स को श्रिंक इसने मेरा बहुत हद तक कर दिया, और मैंने हाफ से भी ज़्यादा वो वाला यूज़ किया, वो मैंने अपनी एक कज़न को दिया है। तो इसके अलावा ये वाली की एक्सपायरी देख लें, ये है 2025-08, तो क्या ये थोड़ी एक्सपायरी है? क्या आपको ये थोड़ी एक्सपायरी डेट लगती है? उसके अलावा नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। अच्छा, फाउंडेशन है हमारी, ये रिसेंटली जो है वो परचेज़ की गई है, इसकी एक्सपायरी है 2025-05, ठीक है। अब गिफ्ट्स के अंदर भी बहुत सारे लोगों को रिसीव होंगी, तो वो भी शायद ये हो या हो, पता नहीं क्या हो, लेकिन फिलहाल जो मेरे पास खुद चल रही है ना फिलहाल के लिए, वो है 2025-05, यही है बल्कि। तो ये देखें, ये भी मेरे पास पहले से है, ये तो कस्टमर के लिए मंगवाई गई है ना, ये मेरे पास पहले है, तो ये मेरी 25-05 में शायद खत्म हो जाए, ये ना भी हो तो ये चलती रहेगी, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं देगी। उसके अलावा मैं जो पर्सनली यूज़ कर रही हूँ चीज़ें, उनमें ये देखें, ये दो फेस पाउडर है, ये 2023 इनकी एक्सपायरी डेट है, 2023 मतलब गुजर चुका है, पूरा साल हो चुका है, ये 11 है, ये 5 है। अब इनकी अंदर से क्वांटिटी मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये फिलहाल इतना है, इसको भी मतलब जिसके हाथ में ये लग जाए वो ये यूज़ करना शुरू कर देता है, जिसके हाथ में ये लग जाए वो ये यूज़ करना शुरू कर देता है। तो क्या मैं अब एक्सपायर हो गई तो इनको फेंक दूंगी? नहीं, क्योंकि मेरी कंपनी क्लेम करती है मेरी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है, मुझे इनका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद ये कंसीलर जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, 2023 इसकी एक्सपायरी डेट थी, 2023, और ये तो अब स्टॉक में भी नहीं है, स्टॉक में भी नहीं है, ठीक है। तो देख लें आप इसकी एक्सपायरी, और मुझे किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं हुआ इससे। उसके बाद अगर मैं अपने पर्सनल यूज़ वाली चीज़ों की बात कर रही हूँ, तो ये 2027 इसकी एक्सपायरी है परफ्यूम की, ठीक है। आप बिलीव कर सकते हैं कि परफ्यूम्स की एक्सपायरी डेट्स भी मैटर करती हैं या नहीं? तो फिलहाल ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त। फिर उसके बाद ये इसकी एक्सपायरी अगले महीने तक है, इसको मैं जल्दी से यूज़ करना शुरू कर दूंगी, कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं। अगर मैं इसको एक्सपायरी होने के बाद भी इस्तेमाल करूं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आपको दिखा चुकी हूं कि मैं अभी तक यूज़ कर रही हूं। अच्छा, ये मेकअप फिक्सर है मेरे पास, इसकी हालत को आप देख ही सकते हैं, 2024-05 का ये एक्सपायर हो चुका है, लेकिन मैं इसको हर फंक्शन पर जाने के लिए जब तैयार हो रही होती तो इसको यूज़ करती हूं। उसके बाद मेरे पास ये है एक्सपायर हुई जो प्रोडक्ट है, 2024-10, ये समझे ये आखिरी महीना है इसका, लेकिन ये अभी मेरे पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं इसको कैसे छोड़ सकती हूँ, तो इस वजह से आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ। ये मस्कारा, मैं तो इससे हैरान हूँ, ये ओरिफ्लेम का मस्कारा ट्रिमेंडियस, आपने शायद इसका नाम सुना हो, पढ़ा हो, देखा हो। तो अब मैंने इसकी रिप्लेस, मैं इससे थक चुकी थी, लेकिन अभी तक ये खत्म नहीं हुआ, इसको 2 साल हो गए मेरे पास, इसकी कोई नामो निशान, इसका ऊपर नाम तक नहीं रहा, लेकिन मैं आज इसको टेस्ट कर रही थी फिलहाल के लिए। ये देखें, अभी भी इसके अंदर इतनी जान है कि ये मेरे बालों को, मेरे ये जो है,
ये मेरी आई लैशेज के लिए बड़े अच्छे से काम करेगा। और उसके बाद मैंने ये वाला मंगवा लिया हुआ है लैश एक्सटेंशन का। उसके बाद काजल की बात करूँ तो काजल भी मुझे लगता है एक्सपायर ही हुआ हुआ है। लेकिन आप तो ये कहेंगे कि पता नहीं अब सारी चीज़ें मैम एक्सपायर यूज़ कर रही हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए सारी चीज़ें वो वाली निकाल रही हूँ जो एक्सपायर हुई है मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखें 2023 का ये एक्सपायर हो चुका है और 4/4 महीने में, और अभी तक मैंने इसको मतलब पर्सनली यूज़ करना शुरू नहीं था किया, लेकिन ये क्या मुझे लगा कि मुझे ये इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद ये देखें ये आई स्टाइलर फेस स्टाइलर जो है मुझे रिसीव हुआ था 2024 के स्टार्टिंग मंथ में, तो ये अभी तक है 7/25 तक हर। और ये स्क्रब कहते हैं ना कि मतलब कोई चीज़ एक्सपायर हो जाए तो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, तो ये देख लें ये ऑर्गेनिक स्क्रब है, एक्सफोलिएटिंग स्क्रब है, ये इसकी 2024/4 आखिरी तारीख थी, लेकिन मैं इसको अभी तक यूज़ कर रही हूँ जब मेरा मूड हो, जब मुझे लगे कि मुझे इसको यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज शुगर स्क्रब भी हमारे पास है, ये बॉडी स्प्रे मेरा बड़ा फेवरेट है। उसके बाद हमें ये मास्क से रिसीव हुए थे किसके अंदर, वो जो हमारी ऑफर है उसके अंदर। देखिए आप इसको यूज़ करना अगर शुरू कर देते हैं, इस महीने लिया आपने, पिछले महीने लिया, आपका कस्टमर यहाँ खुद यूज़ करना शुरू कर देते हैं, आपको लगता है कि अगर आप इसको फेस पे यूज़ करेंगे, 2025 इसकी दूसरी तारीख सेकेंड मंथ तक ये है अवेलेबल है, ठीक है, ये दूसरा भी पड़ा हुआ है, तो आप इसको अगर फेस के लिए तब अच्छा नहीं समझते कि मैं नहीं मुझे कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, तो आप इसको पाँव पे यूज़ करना शुरू कर दें। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया कि हम इसको पाँव पे भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये लेवेंडर क्लॉन है मेरे पास, मुझे लगता है ये 2024 के स्टार्टिंग मंथ्स का पड़ा हुआ है और अभी तक इतना को यूज़ हुआ है, 400 ml इसकी क्वांटिटी है, ये अब फिर दोबारा से वेब ऑफर के अंदर अवेलेबल है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और एक सबसे मज़े की बात, कुछ लोग तो इसको जानते भी नहीं होंगे, जब से हमने ज्वाइनिंग कराई थी तब ये था, और ये बॉडी फर्मिंग लोशन है, मतलब आपकी बेली फैट्स को जो है मिनिमम वो सॉरी करता था कम करता था। तो ये देखें 2024/11 इसकी ये लास्ट डेट है, लेकिन अभी ये हाफ पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अभी तक ये हाफ पड़ा हुआ, तो क्या इसको फेंक दें, क्या इसके रिजल्ट्स वैसे नहीं होंगे, इसके रिजल्ट सेम एज इट इज़ होंगे। अब इसके बाद हमारे पास आई हुई है फुट क्रीम ऑफ पे, तो ये देखें ये उसी से रिलेटेड है, ये 2024/8 महीने की ये एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन जो अब वेब ऑफर के अंदर आई है उसको देखें उसकी एक्सपायरी क्या होगी। तो आपको बताने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद कि आप लोग ये ना समझें कि जो प्रोडक्ट कंपनी ने ऑफ पे लगाई है वो उसकी एक्सपायरी इतनी नज़दीक होगी कि बाद में आप उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे, बल्कि ऐसी होगी कि आप उसको इस्तेमाल करेंगे आपको किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा मैं नेल पेंट्स के बारे में ही वीडियो बनाना चाह रही थी, ये देखें ये मैंने अपने भाई की शादी से पहले इसको परचेज़ किया था 2024 के स्टार्टिंग मंथ्स के अंदर ही, 2023 में हाँ बल्कि नवंबर अक्टूबर में, तो ये अब समझे एक्सपायर है। इसकी मैं हालत आपको दिखाना चाह रही थी, ये देखें कि इसका ब्रश, इसका अंदर से लिक्विडी टेक्सचर कितना सही है अभी तक, इस टेक्सचर को देखें कि इसका ये अंदर से लिक्विड और हर चीज़ कितनी परफेक्ट है फिलहाल के लिए। और इसके मुकाबले में मेरे पास लोकल है एक ब्रांड है, एक ये है फिलहाल मुझे लगता है ये भी एक्सपायर है 2024/6 की, ये एक्सपायर हो चुकी है। आज जो मैंने अप्लाई की है वो ये वाली है। अब अच्छा मेरे पास वो थे ये लोकल ब्रांड्स के, तो इसका ना ये वाला फिलहाल ब्रश नहीं, इसका भी ब्रश ख़राब है, अंदर से लिक्विड पील ऑफ है, क्योंकि मुझे पील ऑफ पसंद है, जल्दी जल्दी उतर तो जाती है ना, ये देखें इसके ब्रश लग ही नहीं सकता, यूज़ ही नहीं हो सकता। उसके बाद ये है मेरे पास एक, ये टोटली ख़त्म है, अच्छा इसके अंदर तो है ही लेकिन इसका ब्रश खराब हो गया। मतलब लोकल ब्रांड से आप जो भी चीज़ लेंगे वो डिफर तो करेगी ना। अब ये चीज़ें हैं एक्सपायर हो भी चुकी है लेकिन मेरे साथ सेम एज इट इज़ वर्क कर रही हूँ और अपनी सही हालत में, तो जो नेल पेंट्स मैंने लोकल ली हुई हैं उनके अगर लिक्विड ठीक है तो उनके ब्रशेज़ को पता नहीं क्या हुआ, हालांकि ब्रशेज़ का वो वाला काम भी नहीं है। तो खुदारा खुदारा प्रोडक्ट अच्छी है, ऑर्गेनिक क्लेम करती है कंपनी अगर, तो आप प्रोडक्ट्स को लाजमी यूज़ करिए। देखिए 2023 की ली हुई है और ये 2025 में एक्सपायर होनी है ये वाली हैंड क्रीम, और अभी फिलहाल कंपनी के पास ही और सोल्ड आउट है, ठीक है। अब टूथपेस्ट की बात कर लेते हैं, ये जो न्यू कलेक्शन आई है कंपनी के पास टूथपेस्ट की, इसकी एक्सपायरी डेट है 1/1 है और 2027, हालांकि इसने 5 महीनों के अंदर हमसे दूर हो जाना। और जो पुरानी मेरे पास कलेक्शन में थी वो उसकी एक्सपायरी देख लें 2025/8। अब मेरे यहाँ में कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, थैंक यू सो मच इतना मेस देखने के लिए, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।